प्रीवियस क्लास में यानी क्लास 6 में हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा था। अब क्लास 7 में हम लोगों को जो पढ़ना है वो मेडिएवल हिस्ट्री, जिसको के हम मध्यकालीन इतिहास के नाम से जानते हैं। इसका पीरियड जो है वह सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि 700 ईस्वी से लेकर के और पूरे का पूरा 1700 सीई तक का जो पीरियड होगा इसको हम मेडिएवल पीरियड के नाम से जानते हैं। बल्कि हम यूं कह सकते हैं कि 700 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच यानी पूरे 1000 साल का जो पीरियड होगा वह मेडिएवल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे राजपूत रूलर्स थे जिनमें की राजपूतास, चोलास, चेरास, प्रतिहारास, ये सारे का सारा जो पीरियड है वह 700 से लेकर के और 1000 ईस्वी के बीच आते हैं। कौन कौन से हैं? राजपूतास, चेरास, चोलास, प्रतिहारास, ईटीसी, ये सारे का सारा जो है वह 700 से लेकर के और 1000 सीई के बीच का यह पीरियड जो है वह आता है। फिर 1000 से जैसे ही हम आगे की तरफ अगर जो बढ़ते हैं तो फिर 1000 में हिंदुस्तान में सबसे पहला इन्वेडर जो कि 1001 के साल में इंडिया पर इन्वेड करने वाला जो था, इंडिया पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला मुस्लिम इन्वेडर जिसका नाम महमूद गजनी, जो कि 1001 से लेकर के और इसका पूरा इन्वेडर जो था वह लगभग जो है वह 17 टाइम्स हुए थे, 1026 सी के बीच। फिर 1026 के बाद कोई भी ऐसे इन्वेडर इंडिया पर नहीं आए थे लगभग 1500 तक अप्रॉक्स 175 साल तक। बल्कि सेकेंड इन्वेडर जो हो रहा है, दूसरा आक्रमण जो हो रहा है वह सबसे पहली बार 1191 ईस्वी को, कौन था वह? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी या गोर का रहने वाला था। गोर जो है वह एक अफगानिस्तान का एक छोटा सा जो है वह क्षेत्र पड़ता है, वहीं का जो शासक था। सबसे पहला अटैक इसका 1191 ईस्वी को, जो कि पृथ्वीराज चौहान जो उस समय दिल्ली और अजमेर के जो हुक्मरान थे, पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के बीच जो है वह लड़ाई हुई थी, जिसको कि हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का नाम देते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हो रही है? 1191 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई हो रही है। इसके भी शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान सबसे पहली लड़ाई, इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की जो है वह जीत होती है।
यह बैटल ऑफ पानीपत का सबसे पहला लड़ाई था और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी जो था वह हार करके और सीधे तौर पर लहवर गोर पहुंच जाता है। नो डाउट हिंदुस्तान के जो कोई भी जो राजपूत रूलर्स जो थे बहादुरी और जवान मर्दी की इनमें कहीं कोई कमी नहीं थी। इन लोगों ने कभी भी दुश्मन के सामने अपने आप को जो है वह पीठ दिखाने की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन ये जो मुस्लिम इन्वेडर्स जो थे जिनमें जो है वह शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का नाम लिया जा सकता है, महमूद गजनी का नाम लिया जा सकता है, ये सारे के सारे जितने जो लुटेरे थे जितने जो आक्रमणकारी थे ये सारे के सारे जो कोई भी जो इंडिया पर जो आए थे ये लोग लुटेरे बनकर के आए थे और इन्होंने किसी भी तरह का कोई भी ऐसा धोखाधड़ी कोई भी ऐसा छल कपट और धोखाधड़ी को अपनाने से ये लोग बाज नहीं आए थे। कौन थे वो? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी और फिर मोहम्मद गजनी, ये दोनों जो थे ये दोनों ऐसे लुटेरे थे जिन्होंने छल कपट और धोखाधड़ी का सहारा लिया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दिल्ली और अजमेर के रूलर पृथ्वीराज चौहान के अगर जो बात करते हैं तो इन लोगों ने या जो कोई भी जो राजपूत रूलर जो थे उन लोगों ने लड़ाई के मैदान में कभी अपने पीठ को नहीं दिखाया और यहां तक कि कहा जाता है कि उन लोगों ने पहले जो है वह अपने दुश्मनों को और सामने वालों को पहले जो है वह होशियार किया था, पहले जो है वह अपने आप को संभलने का मौका दिया। वरना अगर जो शायद ये लोग ऐसा नहीं किए होते तो ये लंबा जो फेहरिस्त जो देखने को जो मिलता है शायद इन लोगों की जो है वह देखने को नजर भी नहीं आती हिंदुस्तान के अंदर। क्यों? इसलिए इन लोगों ने छल छल कपट का सहारा लिया था, धोखाधड़ी का सहारा लिया था। किस तरह से कैसे जो है वह छल कपट और धोखाधड़ी का सहारा लेता है इस पर जो है वह हम लोग बात करते हैं। ये जो है वह फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब ठीक आफ्टर वन ईयर्स यानी 1192 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत पानीपत की दूसरी लड़ाई हो रही है। इसके लिए वही शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दोनों के बीच हो रही है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1195 ईस्वी को। पृथ्वीराज चौहान के पास जो थे वह 5 लाख के करीब आर्मी थी, 5 लाख ऐसा हिस्टोरियंस का जो है वह मानना है, 5 लाख आर्मी। दूसरी तरफ इसके पास जो थी वह लगभग जो है वह 1,20,000 के करीब फौज है, 1,20,000 के करीब जो है वह आर्मी है। इसकी लड़ाई का जो तरीका जो था और इसकी लड़ाई का जो टेक्निक जो था इससे थोड़ा अलग था, इस सेंस में कि सबसे पहली बार पृथ्वीराज चौहान जो थे वह लड़ाई के मैदान में अपने पूरे 5 लाख आर्मी को एक बार और एक साथ उतार दिया था, जो मैं समझता हूं कि शायद इनकी भूल थी। इसलिए इतने बड़े पैमाने पर 5 लाख आर्मी को जो एक साथ लड़ाई के मैदान में उतार दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि एक भीड़ की तादाद हो सकती है, भगदड़ की स्थिति बन सकती है। लेकिन इसने थोड़ा जो है वो अकलमंदी का सहारा ये दिया था कि इसने पूरे अपने 1,20,000 आर्मी को लगभग जो है वह
पार्ट में डिवाइड किया था? डिवाइडेड इनटू सिक्स पार्ट। चलिए कौन कौन सा इसका जो है वो पार्ट था, इस पर जो है वो हम लोग बात करते हैं। गोरी गोरीज आर्मी डिवाइडेड इनटू सिक्स पार्ट, छह हिस्से में इसने बांटा था। 120,000 फौज है टोटल जो है, इसकी तादाद कितनी है टोटल आर्मी? 120,000, 120,000 है, छह हिस्से में जो बांटते हैं तो प्रत्येक हिस्से में जो है वह 20,000 आर्मी होगी। और 20,000 आर्मी को सबसे पहले इसने अपने जो है वह फ्रंट साइड पर रखा था, अपने आगे पीछे लेफ्ट राइट लेफ्ट और फिर जो है वह सेंटर, पांच सेक्शन जो इसकी जो फौज जो थी इसको इसने लड़ाई के मैदान में उतारा। छठा सेक्शन जो था इसको इसने अपने आप को जो है रिजर्व रखा था। अब रिजर्व रखने के बाद इस तरह से उसने पूरे छल कपट और पूरे धोखाधड़ी के सहारे पृथ्वी सहाउद्दीन मोहम्मद गोरी जो था वह पानी तक की दूसरी लड़ाई को जो है वह जीत लेता है। जीतने के बाद अब यह साफ हो चुका था कि अब गोर डायनेस्टी का आखिरी बादशाह जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान है, अब उनका जो है वह दिल्ली सल्तनत से अब कहानी खत्म हो चुका था। इसलिए कि अब ये जब हार जाते हैं और ये जब मारे जाते हैं तब उस सिचुएशन में अब कोई भी ऐसी पावर नहीं थी जो कि सहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को और उसकी फौज को या फिर उसके जनरल को या फिर उसके सेनापति को चैलेंज कर सके। लेकिन लुटेरा तो था, लूट करके तो गया, लेकिन उसने एक ऐसा काम किया था कि इसी का एक स्लेव था जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका स्लेव है गोरी का कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान पर जो है वह हुकूमत करने के लिए छोड़ करके जो है वह चला गया था। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान पर जो है वह एक ऐसे सल्तनत की स्थापना की थी जिसको कि हम जो है वह इंडियन हिस्ट्री में सल्तनत पीरियड का नाम देते हैं। कौन सा था वह सल्तनत पीरियड? सल्तनत पीरियड। इस सल्तनत पीरियड का सबसे पहला जो डायनेस्टी जो था, सबसे पहला जो वंश जो था इस सल्तनत पीरियड का, हम इसको जो है वह स्लेव डायनेस्टी का नाम देते हैं। सबसे पहला शासक स्लेव डायनेस्टी। और इस स्लेव डायनेस्टी का सबसे पहला जो शासक जो था उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि जो है वह सहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का यह गुलाम रह चुका है या स्लेव रह चुका है? और इसने अपने स्वामी सहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के सम्मान में और सहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का इज्जत करते हुए अपने जिस डायनेस्टी की जो स्थापना जो की थी इसका नाम इसने रखा था स्लेव डायनेस्टी। इस तरह से मैं कह सकता हूं कि स्लेव डायनेस्टी का मेन फाउंडर मेन संस्थापक जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। पीरियड इसका क्या है? 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक, 24 years, 4 साल तक इसने हुकूमत की थी।
और 1210 ईस्वी को चौगान खेलते हुए, जिस यानी हम पोलो का नाम दे सकते हैं, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी को। सबसे पहला बादशाह स्लेबलाइन ईस्वी का कुतुबुद्दीन है, कुतुबुद्दीन एक फेमस का पीरियड 1206 में उसने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की थी, पहला बादशाह है 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक इसने हुकूमत की थी और इसकी मौत जो है एक्सीडेंटल हुई थी। अब मैं बात करता हूं कि आखिर उसने जो है क्या क्या किया था। यह बहुत बड़ा दानवीर शासक था, काम कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का यह दान करने वाला था, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसको कि हम लाखा बख्श का नाम देते हैं। लाखा बख्श, इस तरह से लाखा बख्श जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइटल था, इसकी उपाधि थी लाखा बख्श की। बहुत बड़ा दानवीर, बहुत बड़ा दान करने वाला, और दिल्ली में इसने दो ऐसे मस्जिदों का निर्माण करवाया था, एक का नाम जो है वह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मास्क, कुव्वतुल इस्लाम मास्क। दूसरा जो था वह अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये दो ऐसे इसके निर्माण कार्य थे, कुव्वतुल इस्लाम मास्क और अढ़ाई दिन का झोपड़ा। बहुत बड़ा दानवीर था, बहुत बड़ा जवान, लाखों का दान करने वाला था। इसके दरबार में जो कोई भी है, जो क्या कहते हैं कि जरूरतमंद अगर पहुंच जाते थे, जो कोई भी हाजतमंद अगर पहुंच जाते इसको अपने दरबार से वापस नहीं जाए वह जाने देता था। इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है स्लेव डायनेस्टी का सबसे पहला बादशाह। फिर हम लोग जो है वो बात करेंगे कल जो होगा वह इसके कौन से ऐसे डायनेस्टी आए थे, उसके बाद फिर हम जो है कल बात करेंगे। थैंक यू।